ये मेरे हाथ से भी खा लेते हैं, ये काफी अच्छे बच्चों को पालेंगे। ये या नहा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और ये है मेरी बजरी तोतों की कॉलोनी। दोस्तों इस तरफ मेरे और ये है मेरे हाथ में आज चावल, देख सकते हैं आप। और दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ अपने बजरी तोतों को ये चावल, और इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों मैं ऑस्ट्रो कैल्शियम। जी हाँ, ऑस्ट्रो कैल्शियम, जिसकी मदद से बहुत सारे अंडों की क्वांटिटी मेरी कॉलोनी में इस बार बढ़ी है दोस्तों, जिसका रिजल्ट आप पिछली प्रोग्रेस वीडियो में देख चुके हैं। तो इस चावल के अंदर हम कैसे ऑस्ट्रो कैल्शियम मिलाएंगे दोस्तों, और कितना मिलाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है ऑस्ट्रो कैल्शियम का फोटो दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ऑस्ट्रो कैल्शियम का फोटो जो है, मेरे पास बॉटल अवेलेबल नहीं थी, मैंने ऑस्ट्रो कैल्शियम किसी दूसरी बॉटल में भर लिया था, इस कारण से मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा दोस्तों। तो आप ये जो है कितनी क्वांटिटी में और कैसे मिलाएं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये है हमारा चावल, और ये इसमें हम मिलाएंगे अब ऑस्ट्रो कैल्शियम। ये है हमारा ऑस्ट्रो कैल्शियम, एक्चुअली ये बॉटल ऑस्ट्रो कैल्शियम की नहीं है दोस्तों, मैंने इसमें ऑस्ट्रो कैल्शियम भर रखा है। आपको स्क्रीन पर ऑस्ट्रो कैल्शियम की बॉटल दिख जाएगी दोस्तों। तो इस तरह का आपको एक पैमाना ले लेना है दोस्तों, जो बॉटल के साथ में आता है, किसी भी दवाई की बॉटल के साथ में आपको इस तरह का ये प्लास्टिक का पैमाना मिल जाएगा। इसमें आप 5 ml ऑस्ट्रो कैल्शियम डाल लीजिए दोस्तों। ये देखिए 5 ml इतना होता ही है, 5 ml का पैमाना है, और इसको आपको 5 ml के पैमाने को फुल भर लेना है। और उसके बाद इसको आपको चावल के ऊपर डालकर दोस्तों मिलाना है। देखिए ये है 5 ml का पैमाना, और इसे आप चावल पर ऐसे ऊपर से डाल दीजिए। और डालने के बाद दोस्तों इसको हाथ से आपको अच्छी तरह से मिलाना है। तो जब तक ये मिलता है दोस्तों, मैं मिला रहा हूँ आपको, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कई दोस्त भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हमारी कॉलोनी में ब्रीड नहीं हो रही, हमारी केजेस में ब्रीड नहीं हो रही। तो दोस्तों सभी के केज में ब्रीड होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि किसी के केज में ब्रीड ना हो। हो सकता है आपके पट्टे छोटे हों या उनकी उम्र कम हो बर्ड्स की, तो जब उनकी उम्र पूरी हो जाएगी दोस्तों तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। जब तक आप उन्हें अच्छा सॉफ्ट फूड, अच्छा शीड मिक्स और अच्छा दाना खिलाइए, जिससे कि वो आगे बहुत अच्छी ब्रीड करें। तो चलिए मैं इसको फटाफट बर्तनों में, जो और बर्तन मैंने रख रखे हैं उनमें ले लेता हूँ, और फटाफट मैं उस बर्तनों में लेने के बाद अलग अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये इसे शौक से खाते हैं। देखिए चावल को आप देखिए, मैं अलग कर रहा हूँ और ये मेरे हाथ के पास ही आकर खाने लगे हैं, डरते बिल्कुल नहीं है, आपने देखा होगा ये मेरे हाथ से भी खा लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सभी को चावल दे दिया है, और ये बॉयल राइस को देखिए कितने शौक से खाते हैं दोस्तों। इसमें आज ऑस्ट्रो कैल्शियम मिक्स है, जिससे कि इनके अंडों की तादाद बहुत अच्छी होगी दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छे बच्चों को पालेंगे। इनके जो बच्चों के फैदर होंगे या पर होंगे इनके चिक्स के, उनके फैदर भी बहुत अच्छे आएंगे दोस्तों इस ऑस्ट्रो कैल्शियम से, जो कि अभी मैंने खुद यूज़ कराया है, जिसका रिजल्ट आप मेरी पुरानी प्रोग्रेस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों आपको। इधर पर ये लव बर्ड हैंगी हमारी, वो भी अभी उतरने वाली है इसे खाने के लिए, और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बजीस इसे कितना शौक से खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रीड होती है दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने बजीज या कोई भी अन्य बर्ड में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें दोस्तों। उससे होगा ये कि मेरी हर एक वीडियो आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।